मेरे चटोरे इंडियंस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाल मूली के अचार की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे ये अचार बहुत ही चटपटा बनेगा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो लाल मूली का अचार बनाने के लिए ये मैंने ली है एक लाल मूली, ये काफ़ी बड़ी है, कम से कम ये होगी आपकी आधा किलो के करीब। तो लाल मूली के मैं आपको सबसे पहले फायदे बता देता हूँ। लाल मूली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सफेद मूली से भी बहुत ज्यादा फायदा देती है हमें। तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं अचार। तो अचार बनाने के लिए मैंने इस मूली को सबसे पहले ये देखिए धो लिया है। अब हम इसके ऊपर से ये जो हल्के हल्के इसका ये बाल है ये उतारेंगे। तो ये मैंने पीलर ले लिया है, ऊपर ऊपर से हम इसका बिल्कुल पतला पतला सा छिलका उतार देंगे। अंदर से तो होती है ये वाइट, लेकिन ये देखिए अंदर से सफेद सफेद नजर आ रही है, लेकिन ऊपर से ये लाल होती है। तो जहां जहां पर इसके हमें बाल नजर आ रहे हैं वहां वहां से हम इसको हल्का सा पील ऑफ कर देंगे, छिलका उतार देंगे। ये देखिए इधर से भी है, अभी इधर से भी हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जहां जहां पर भी इसके बाल थे मैंने सारे इसके बाल अच्छे से निकाल दिए हैं, इसको साफ कर लिया है। अब हमने इसका ये ऊपर से काट देना है, ये जहां पर इसके पत्ते होते हैं ये ऊपर का हिस्सा, और थोड़ा सा हम इसके पीछे से ये कि नीचे से ये टेल भी काट देंगे। अब हमने इसके पीसीस काटने, पीसीस आप आपके इसके किसी भी शेप में काट लीजिएगा। ये मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। अब मैं इसके पीसीस काट रहा हूँ लंबे, क्योंकि मुझे लंबे लंबे पीसीस में मूली का अचार बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके राउंड पीसीस भी काट सकते हैं। तो ऐसे पहले इसको बीच में से हम काट लेते हैं। मैं आपको पीसीस दिखाता हूँ कि आपने इसके कितने मोटे पीस काटने हैं। ये देखिए लगभग 4 से 5 mm के मिलीमीटर के करीब ये मोटा होना चाहिए, ये देखिए। और लंबी लंबाई में आप इसके 1 से 1.5 इंच लंबे इसके पीसीस काट लीजिएगा। ये देखिए रफली आपने इसके पीसीस काट लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मूली के मीडियम साइज के छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं। तो अचार बनाने के लिए अब हमने इसमें डालने हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और काला नमक 1/2 टेबलस्पून। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें नमक थोड़ा तेज डालिएगा ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल नहीं है घर पर, तो आप इसी जगह पर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं या नॉर्मल सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 नींबू का रस। यहाँ पर आप नींबू के रस की जगह पर सिरका भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नींबू घर पर अवेलेबल नहीं है। तब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स इस पर अच्छी तरह से हमारे अचार पर लग जाए। इस अचार को बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ये अचार बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हमारे एक एक मूली के पीस पर लग जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार अच्छी तरह से इवनली मिक्स हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक पीस पर इवनली लग चुके हैं। तो अब हमने इस अचार को स्टोर करके रखना है। स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कांच का जार। आप इसको स्टोर करने के लिए कोई भी प्लास्टिक का या लोहे के जार का इस्तेमाल मत कीजिएगा आपका अचार, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस अचार को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कांच के जार के अंदर। ये एक ऐसा इंस्टेंट अचार है जिसको आप तुरंत बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि मैंने अचार ये अभी अभी बनाया है, इसको बस हम 10 से 15 मिनट के बाद खा सकते हैं। ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया, यही इस अचार की सबसे बड़ी खासियत है। इस लाल मूली के अचार की शेल्फ लाइफ है लगभग 1 महीने के करीब, यानी कि 1 महीना आप इसको अगर स्टोर करके भी रखेंगे तो भी ये अचार खराब नहीं होगा और ना ही इसके कोई टेस्ट में फ़र्क आएगा। इस अचार को बनाने की एक और खासियत है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। जैसे कि आपने देखा, ना ही इसको हमने धोने के बाद सुखाया है धूप में और ना ही इसके लिए जो हमने मसाले बनाए हैं उनको फिर ड्राई रोस्ट करो, फिर उनको ग्राइंड करो, ऐसा हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही इंस्टेंट अचार है, आप इसको तुरंत बनाइए और तुरंत इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए हमारा अचार बनके हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लाल मूली का इंस्टेंट अचार? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।